5 लीटर स्प्रिट, 10 लीटर पानी और थोड़ा सा गेरो, इसे बनती है नकली शराब। पुलिस ने एक व्यक्ति को नकली शराब बनाते गिरफ्तार किया। कमरे से स्प्रिट और शराब बनाने में उपयोग होने वाला सामान सहित एक पिस्टल व 2 जिंदा कारतूस भी मिले। आरोपी ने बताया वह 5 लीटर स्प्रिट से 10 लीटर पानी और गेरुआ रंग मिलाकर नकली शराब बनाता है। गुरुवार शाम कंट्रोल रूम से ACP मनोज सिंह ने यह खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि हिंगोरिया के रोशन पिता बाबूलाल बांछड़ा के मकान में नकली शराब बनाई जाती है। इस आधार पर पुलिस ने दबिश आरोपी के घर से कच्ची शराब बनाने व भरने के उपकरण, 105 खाली क्वार्टर स्प्रिट, प्लेन शराब व नारंगी शराब बनाने का केमिकल, शराब के क्वार्टर पर लगने वाले 50 नकली होलोग्राम जब्त किए। होलोग्राम मौके से मिले नकली शराब की बोतल पर लगे थे। प्लास्टिक कैन में भरा था घोल। पुलिस ने मौके से नकली शराब का तैयार घोल भी जब्त किया। घर में तलाशी के दौरान एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस भी मिले। पुलिस ने आरोपी रोशन बांछड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। आबकारी और आमर्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आरोपी ने बताया शराब बनाने का तरीका। गिरफ्तार आरोपी ने बताया 5 लीटर स्प्रिट में 10 लीटर गर्म पानी मिलाता था। इसके बाद 2 से 3 घंटे तक मिश्रण को ठंडा करने के लिए छोड़ देता था। इसके बाद गेरू कलर मिलाकर बोतल में पैक कर देता था। इन क्वार्टर होलोग्राम लगाने के बाद वह बाजार में बेच देता था। मेडिकल से लाता था स्प्रिट। आरोपी ने पुलिस को बताया वह स्प्रिट मेडिकल स्टोर से खरीदकर नकली शराब बनाता था। उसे मेडिकल स्टोर से आसानी से स्प्रिट उपलब्ध हो जाती थी। ACP मनोज सिंह ने बताया आरोपी से पूछताछ में यह भी पता किया जाएगा कि वह किन किन मेडिकल स्टोर से स्प्रिट खरीदता था। उन मेडिकल के संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ऐसे वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।